हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल अंशु इंडियन यूट्यूबर में। तो फ्रेंड, अगर आपके भी चेहरे पे पिगमेंटेशन के निशान है तो आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक्चुअली पिगमेंटेशन की बात जब आती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि एक ऐसी समस्या है, अगर एक बार किसी के चेहरे पे हो गई पिगमेंटेशन तो जल्दी जाती ही नहीं। आप कोई भी रेमेडी यूज कर लो या कोई भी क्रीम यूज कर लो, उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि कोई कुछ हमें बता दे, कोई रेमेडी हो या कोई क्रीम है जिसे हम अप्लाई कर ले और एक बार में ही हमें इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड। बाकी के दाग धब्बे जो होते हैं वो इजी से निकल जाते हैं, बट पिगमेंटेशन के निशान जल्दी नहीं जाते हैं। अगर एक बार किसी के फेस पे हो गया तो बहुत टाइम लगता है उसे रिमूव करने में। तो आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आप इसे हफ्ते में एक बार अप्लाई कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इसे एक बार अप्लाई करेंगे और एक बार में ही ठीक हो जाएगा। कम से कम आपको 2 से 3 महीने इसे अप्लाई करना पड़ेगा, 5-6 महीने भी लग सकता है फ्रेंड, क्योंकि पिगमेंटेशन के निशान जल्दी नहीं जाते हैं, लेकिन 2-3 बार में ही आपको फ़र्क दिखाई देगा। आज मैं बेसन से बनी एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से पुराने दाग धब्बे झाइयों को रिमूव कर सकते हैं। बेसन का इस्तेमाल सभी के घरों में होता है फ्रेंड। पुराने ज़माने से ही लोग हल्दी और बेसन का इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें रेमेडी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। हमें लेना है 1 चम्मच बेसन। बेसन के इस्तेमाल से हमारी स्किन टाइट होती है और दाग धब्बे रिमूव होते हैं। इसके बाद हमें लेना है 1/2 चम्मच गेहूं का आटा। इसके बाद हमें लेना है 1/2 चम्मच हल्दी। अगर किचन की हल्दी है तो बस 1 चुटकी लेना, ज़्यादा नहीं लेना फ्रेंड। हल्दी हमारे कलर को निखारती है, झाइयों को दूर करती है, एक्ने पिंपल्स की समस्या से छुटकारा मिलता है फ्रेंड हल्दी के इस्तेमाल से। इसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच दही। दही के इस्तेमाल से झाइयों को रिमूव करने में मदद मिलती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये फ्रेंड पिगमेंटेशन के लिए। और इसके बाद हमें लेना है 1 टमाटर। टमाटर का पल्प हमें निकाल लेना है। अगर टमाटर पका हुआ रहेगा तो आप ग्रेट करेंगे तो उसके साथ ही उसका जूस निकल जाएगा, और अगर नहीं निकलता है तो आप मिक्सी जार में ऐड करके किसी कॉटन के कपड़े से छान के उसका जूस निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है फ्रेंड। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये रेमेडी। पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है फ्रेंड कि अगर आपके चेहरे पे एक बार हो जाए तो जल्दी रिमूव नहीं होती है। टमाटर हमारे स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है। झाइयों के लिए तो वरदान है ये रेमेडी फ्रेंड। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप इसे यूज करेंगे तो खुद देख पाएंगे इसका रिजल्ट, एक बार में ही आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फेस पैक रेडी हो गया था। अब हमें क्या करना है कि फेस को वॉश कर लेना है सादे पानी से। इसके बाद इसे अप्लाई करना है, एक मीडियम सा लेयर लगा लेना है पूरे फेस पे और 10 से 15 मिनट रखना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमें सादे पानी से वॉश कर लेना है इसे। आप इसे हफ्ते में एक बार या 15 दिन में भी एक बार लगा सकते हैं फ्रेंड। आप इसे यूज कीजिए, आपको एक बार में ही फ़र्क दिखाई देगा, बट पूरी तरह से झाइयाँ रिमूव होने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। किसी किसी को बहुत पुरानी भी झाइयाँ होती है तो उसको रिमूव करने में टाइम लगता है फ्रेंड। तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो।